नागपुर शहर के टेकड़ी रोड हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के विशेष मौके पर लाखों नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी भक्त जन दूर दूर से दर्शन के लिए आए हुए हैं। बता दें कि शहर का सबसे बड़ा महाप्रसाद भी इसी मंदिर में आयोजित किया जाता है। आज 6 अप्रैल को पूरे भारत देश में बड़ी ही हर्षोल्लास से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि और दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। हनुमान जयंती का दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मान्यता है कि हनुमान जयंती अगर सप्ताह में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान जयंती का दिन राम भक्तों और हनुमान भक्तों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। बजरंगबली के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक बार हनुमान जी ने भगवान राम की लंबी आयु की कामना करते हुए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया। कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा उसी से शुरू हुई थी। कुछ लोग हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। उसी प्रकार नागपुर शहर में भी जगह जगह हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर फूड स्टॉल लगाए गए हैं, आरती भजन आदि का आयोजन भी किया गया है। मुख्य तौर पर नागपुर के टेकड़ी रोड स्थित भव्य हनुमान मंदिर में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है और यह सिलसिला अभी से नहीं बल्कि पिछले 52 वर्षों से शुरू है। पहले तो इतने बड़े स्तर पर महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाता था, किंतु समय के साथ साथ कमेटी में कई भक्तजन जुड़ते गए और यह एक बड़ी मजबूत श्रृंखला बन गई जो अब कई वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का आयोजन करते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें नागपुर वासी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और टेकड़ी रोड हनुमान मंदिर का महाप्रसाद तो चर्चा का केंद्र है क्योंकि वह नागपुर का सबसे बड़ा महाप्रसाद का स्थान है। तकरीबन 1 से 1.5 लाख की संख्या में लोग यह महाप्रसाद का लाभ लेते हैं। आम जन के साथ ही शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक भी यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पूर्व मंत्री सुनील केदार, पूर्व सांसद अजय संचेती, भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास, पूर्व महापौर संदीप जोशी आदि भी दर्शन के लिए मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी प्रकार सभी ने मिलजुल कर बड़े ही उत्साह से हनुमान जयंती मनाई। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जाता। यहाँ हनुमान जी स्वयं यहाँ का प्रोग्राम करते हैं, इसलिए हम जय श्री राम बोल के यहाँ का भी आगे जो पूछना आप पूछो। ये सब हनुमान जी के देखरेख में होता है। यहाँ के स्वयं कर्ता धरता हनुमान जी है। यहाँ के सब सेवक है बस्ती के, मिल के सब मिलजुल के यहाँ काम करते करके ये प्रसाद सफल होता है। और यही कहूँगा मैं अंत में कि भाई बस ये हनुमान जी के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम होता है यहाँ का। प्रसाद की शुरुआत भी है यहाँ पे ऐसी हुई थी कि यहाँ सबसे पहले मेरे को याद है कि मेरी आज 52 साल की उम्र है, तो मैं हूँगा उस समय 18 साल वगैरह का हूँगा कि यहाँ पे अपन ने एक गन चावल बनाए थे। वो मंदिर में छोटा मंदिर था, एक गन चावल के बाद 2 गन 4 गन 10 गन होते गया और उसका फिर भव्य रूप यहाँ पे धारण हो गया है। महाप्रसाद बिल्कुल चालू है यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर के कार्यक्रम मन ये ऐतिहासिक प्रसाद तो होता ही होता है। यहाँ से यही टीम जो हनुमान जी के मार्गदर्शन में जो काम करती है, यही टीम एक यहाँ से एक बड़ा ट्रक भर के अमरनाथ को भी यहाँ से लंगर का सामान जाता है। हनुमान जी यहाँ पे ये होता है अपना यहाँ पे पोले का एक भव्य यहाँ पे ये होता है। अभी यहाँ पे बहुत भव्य प्रमाण से शिव जी की बारात भी निकली है यहाँ से, तो ऐसे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। जैसे जो भी त्यौहार आते हैं उसमें यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है और अपना गणेश मंदिर में जो सेवा होती है इसी प्रकार की सेवा रहती है और बहुत बड़ा प्रसाद रहता है। वो भी जैसा कुछ बचता है तो उनकी शादियों को कुछ दिया जाता है, थोड़ा बहुत जो भी बचता है सबको डिवाइड करके, जैसे जितने लोग आते हैं उनको डिवाइड करके दिया जाता है। और कुछ उनके लिए संपत्ति ले रहे हैं मंदिर के लिए, ये भी चल रहा है हम लोगों का। खरं सांगायचं तर नागपुरातील नव्हे तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख मंडळांपैकी एक टेकडीचं हे मंदिर आहे, ज्या ठिकाणी 1.5-2 लाख भाविक महाप्रसाद घेतात। आणि सर्वात महत्त्वाचं असं आहे की महाप्रसाद करत असताना इथल्या कार्यकर्त्यांची जी भावना आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे।
आपण अनेक ठिकाणी बघतो होर्डिंग्स लागलेले असतात, नेत्यांचे फोटो असतात, परंतु हे एकमेव मंदिर महाराष्ट्रातलं असं आहे की ज्या ठिकाणी सारेच नेते आहे, सारेच कार्यकर्ते आहे, एकाचाही फोटो नाही, कुठेही पॉलिटिकल हे नाही, आणि सारे मिळून आज हनुमंताच्या सेवेमध्ये लीन असतात. मला असं वाटतं की हे फार शिकण्यासारखं आहे आणि समस्त महाराष्ट्रातील सर्व भक्त, हिंदू प्रेमी हे सारेजण यापासून निश्चितच बोध घेतील असं मला वाटतं. तो सभी देशवासियों को, नागपुरवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. ये एक बहुत पुराना मंदिर है और मैं दूसरी या तीसरी बार यहाँ आया हूँ. मैं 1.25 लाख लोगों का प्रसाद होना, सुबह से रात तक चलना, यहाँ के कार्यकर्ता धन्य हैं जो इतना बड़ा आयोजन इतना स्मूथली करते हैं और आज के इस पावन पवित्र अवसर पर इतने लोगों को दर्शन का, प्रसाद का लाभ मिलता है. सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. नहीं, मी गेल्या 20-25 वर्षापासून, मला असं वाटतं जास्तच झाले, या ठिकाणी दरवर्षी येतो आणि मुख्य म्हणजे इथले जे सगळे युवा कार्यकर्ते आहेत त्यांची जिद्द अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि त्यांच्या जिद्दीमुळे हा समारंभ एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होते आणि आज या टेकडीच्या टेकडीच्या या हनुमानाची आणि महाप्रसादाची संपूर्ण नागपुरामध्ये चर्चा आहे. मला असं वाटतं की 1.5-1.5 लाख लोक इथं येऊन प्रसादाचा लाभ घेतात आणि बरं आहे जे लोक घराच्या बाहेर निघत नाहीत पण त्यांना सुद्धा या हनुमान टेकडीच्या दर्शनामुळे आणि महाप्रसादामुळे त्यांनाही याचा लाभ होतो आणि ही परंपरा अगदी कायम आहे. जुनी पिढी गेली, नवी पिढी आली, त्यानंतर दुसरी पिढी आली, जे लोक पहिले कार्यरत होते त्यात त्यांचे मुलं मुली या कामामध्ये लागलेले आहेत. तर अशा रीतीनं एक चांगलं एक कार्य आणि मुख्य म्हणजे हनुमान, राम भक्त हनुमान आणि ज्या हनुमानाला, हनुमानामुळे रामाला शक्ती मिळाली, रामाचं त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि आहे तर ते भक्त परंतु रामसुद्धा त्यांना आपला गुरु मानत होते, असे हे सर्व गुणी, सर्व शक्तिमान हनुमान आणि त्यांच्या दर्शनाला येऊन आपल्यालाही प्रेरणा मिळत असते, नवी शक्ती मिळत असते आणि या निमित्तानं न भेटणाऱ्या लोकांची या ठिकाणी भेट होत असते. म्हणून दरवर्षी नित्यनिमान न चुकता आम्ही इथे येत असतो. NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट.